लद्दाख अब 5 घंटों में जाया जा सकेगा। जी हाँ, जहाँ पहले मनाली से लद्दाख जाने में 10 से 12 घंटे का समय लग जाता था, वही समय अब कट के 5 घंटे का लगेगा। लद्दाख एक बहुत ही ज्यादा खूबसूरत यूनियन टेरिटरी है, जो कि अपनी सौंदर्य के लिए पूरी विश्व में जाना जाता है। लोग जहाँ पे घूमने आते हैं, इस जगह को एक्सप्लोर करने आते हैं, और ऐसे एरियाज को सरकार भी अच्छी कनेक्टिविटी प्रोवाइड करना चाहती है, जिसके लिए बेटर, सेफेस्ट और फास्टेस्ट रूट्स बनाए जा रहे हैं। लद्दाख में दुनिया का सबसे ऊंचा टनल बनाया जा रहा है, जो कि समुद्र तल से 4800 मीटर की ऊंचाई पर स्थित होगा। यह टनल चिनखुला पास पे बनाया जाएगा, जो कि लद्दाख तक थ्रू आउट दी एयर कनेक्टिविटी प्रोवाइड करेगा और साथ ही जहां तक पहुंचने वाले समय को आधा कर देगा। रिसेंटली पीएम मोदी ने वर्चुअली इस टनल के पहले ब्लास्ट को कंडक्ट किया और इसके काम को शुरू कर दिया। यह टनल कहां और किस रूट पर बनाया जा रहा है, इस टनल की क्या महत्वता है और यह स्ट्रेटेजिकल कितनी इंपॉर्टेंस रखता है, चलिए इस वीडियो में इसके बारे में सब समझते हैं। अभी के टाइम पे लद्दाख तक जाने के लिए हमारे पास जनरली 2 रूट्स अवेलेबल हैं। पहला रूट जम्मू कश्मीर के श्रीनगर से होते हुए लेह तक और दूसरा रूट हिमाचल प्रदेश के मनाली से होते हुए लेह तक। इन दोनों रूट से मनाली टू लेह रूट सबसे शॉर्ट है, जो कि 428 किलोमीटर का है, लेकिन इससे भी शॉर्टेस्ट रूट अब बनाया जा रहा है, नीमू पद्म दर्चा रोड। यह रोड अटल टनल को क्रॉस करके दर्चा से स्टार्ट होता है, फिर यह शिनखुला पास से होते हुए पद्म और नीमू में आके मिलता है, जिसकी कुल लंबाई 298 किलोमीटर की है, जो कि एग्जिस्टिंग रूट से लगभग 130 किलोमीटर कम है, और यह रोड लगने वाले समय को भी लगभग आधा कर देता है। जो समय अभी मनाली से लद्दाख तक जाने के लिए 10 से 12 घंटे का लगता है, वो समय इस रूट से सिर्फ 5 से 6 घंटे का रह जाएगा। और इसी नीमू पद्म दर्चा रोड के ऊपर एक पास आता है, शिनखुला पास, जिसके ऊपर अब 4.1 किलोमीटर का शिनखुला टनल बनाया जाएगा। इस नीमू पद्म दर्चा रोड के ऊपर सिर्फ एक यही पास आता है, जिसके ऊपर 5 से 6 महीनों तक बर्फबारी होती रहती है, और इसीलिए इसके ऊपर शिनखुला टनल बनाया जाएगा, जो कि थ्रू आउट दी एयर कनेक्टिविटी प्रोवाइड करेगा और नीमू पद्म दर्चा रोड को शॉर्ट, सेफ और थ्रू आउट दी एयर खुलने वाला रोड बना देगा। यह टनल ट्विन ट्यूब टनल होगा, जिसको हर 500 मीटर के बाद क्रॉस पैसेजेस द्वारा इंटरकनेक्ट किया जाएगा। यह टनल इस रूट को 4 किलोमीटर तक कम करेगा और इसमें लगने वाले समय को भी 20 मिनट कम कर देगा, और यह टनल हर वेदर में कनेक्टिविटी प्रोवाइड करेगा। इस टनल के काम को वाटर रोड ऑर्गेनाइजेशन द्वारा किया जाएगा। और बात करें नीमू पद्म दर्चा रोड की, और वो रोड पूरा बन चुका है, उसके ऊपर ब्लैक टॉपिंग का काम किया जा रहा है और उस रोड को भी पब्लिक के लिए ओपन कर दिया जा चुका है, यानी कि अब आप लेह इस नए वाले रूट से जा सकते हो। यह न्यू रोड शॉर्ट होने के साथ साथ स्ट्रेटेजिकली भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लेह तक जाने के लिए 2 रूट्स हैं, एक रूट जो कि जम्मू कश्मीर के श्रीनगर से होते हुए लेह तक जाता है, वो पीओके के साथ एलओसी के साथ सटा हुआ है, और वहीं मनाली से लेह वाला रोड चाइना के साथ एलएसी के साथ सटा हुआ है। अगर कल को वार होती है और ऐसे रूट्स को ब्लॉक कर दिया जाता है, तो यह नीमू पद्म दर्चा रोड एक बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेटेजिकल इंपॉर्टेंस रखेगा। और यह नीमू पद्म दर्चा रोड कारगिल के साथ भी कनेक्टिविटी प्रोवाइड करता है, और कारगिल तक जाने के लिए यह सबसे शॉर्टेस्ट और सेफेस्ट रूट बन जाता है। यानी कि कुल मिला के बात करें, यह जो 4.1 किलोमीटर का शिनखुला टनल है, यह लद्दाख के लिए बहुत ही ज्यादा स्ट्रेटेजिकल इंपॉर्टेंस रखता है। आर्मी के लिए यह बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंस रखेगा, यह टूरिज्म को भी प्रमोट करेगा, लोकल्स के लिए भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा, और बॉर्डर पर चाइना के साथ जिस प्रकार के हालात हैं, उस प्रकार से इस टनल की महत्वता और ज्यादा बढ़ जाती है। फिलहाल पीएम मोदी द्वारा वर्चुअली इस टनल के फर्स्ट ब्लास्ट को कंडक्ट किया जाता है और इस टनल के काम को आगे मंजूरी दे दी जाती है, यानी कि इसका काम अब से शुरू हो गया है और इस टनल को 2025-26 तक बनाने का लक्ष्य भी रखा गया है। नीमू पद्म दर्चा रोड भी पब्लिक के लिए ओपन हो चुका है और उसकी ब्लैक टॉपिंग का काम भी जल्द से जल्द कम्प्लीट कर दिया जाएगा। इस टनल और इस रोड के बारे में आपके क्या विचार हैं, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं कुछ ऐसी ही वीडियोस के साथ। धन्यवाद।